मैनपुरी में तैनात सिपाही द्वारा दूसरी शादी किए जाने का मामला सामने आया है। जी आपको बता दें कि जब हमारे देश में बेटियों को भी बेटों के बराबर समझा जाता है तो आखिर क्यों इस सिपाही ने दूसरी शादी की। आपको बताते चलें कि ये सिपाही अपनी पत्नी से 3 बेटियां पैदा होने और नौकरी के लगने के बाद से पत्नी का उत्पीड़न करता चला आ रहा है। पीड़ित पत्नी अपने फौजी भाई के साथ क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंची और अपने सिपाही पति की शिकायत मैनपुरी के सदर सीओ से की है। जनपद फिरोजाबाद के थाना लाइन पार के गांव कुरी की रहने वाली सुधा देवी की शादी वर्ष 2006 में जनपद आगरा के थाना एतमादपुर के गांव गड़ी बावन के रहने वाले हेमंत सिंह से हुई थी। शादी के बाद सुधा को 3 बेटियां पैदा हुई। वर्ष 2011 में हेमंत सिंह की नौकरी पुलिस में लग गई। उसके बाद तो सिपाही हेमंत ने सारी हदें पार करते हुए अपनी पत्नी सुधा को बुरी तरह से उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। लगातार मारता पीटता था, धमकाता था। 8 मई 2017 को सिपाही हेमंत सिंह ने फिरोजाबाद जिले की रहने वाली रेखा नाम की युवती से दूसरी शादी रचा ली। सिपाही हेमंत सिंह वर्तमान में मैनपुरी के थाना दन्नाहार में तैनात है। पीड़ित पत्नी ने मामले की शिकायत इलाके के सीओ से की है। सीओ ने जांच के बाद पीड़िता को कार्रवाई का भरोसा दिया है। नाम है आपका? सुधा। क्या पूरा मामला है आपको? दूसरी शादी कर रखी है हेमंत कुमार साहस का नाम और धनदन्ना थाने में सिपाही है। मेरे पास 3 बेटियां हैं और मेरे को पता नहीं था कि दूसरी शादी। मेरे भाई के पास फ़ोन पे फोटो पहुँचे, जब भाई को पता पड़ा तब मेरे भाई ने मुझसे बोला फ़ोन करके और क्या कहते शादी कर ली है कि ऐसे सिंह मुझे पता नहीं है। ऐसे दाद दिखाते थे तो मैं बोलती थी कुछ तो मुझे मारते थे और कुछ कहेगी किसी के बारे में तो तुझे मार दूँगा। मेरे फ़ोन भी तोड़ देते थे, फोन भी नहीं रखाने देते थे, किसी से बात ही नहीं होने देते थे। अच्छा, ये पहली शादी आपकी कहाँ से हुई थी? मेरे ससुराल तो एनमापुर है और रहने वाली मैं फिरोजाबाद हूँ। अच्छा, इन्होंने दूसरी शादी की वो कहाँ की है? वो यहाँ की है, मुझे ऐसे पता नहीं है कहाँ की है। नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र माता। अच्छा, पूरा मामला क्या है? मामला है कि मेरी सिस्टर की शादी 2006 हुई है, तो उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर उसके बाद अभी दूसरी शादी मेरे बहनों ने कर रखी है। वो लड़का पुलिस में है, मेरे बहनों ही यहाँ दन्ना थाने में। क्या नाम है उनका? हेमंत कुमार साहब। तो उनको बताते हैं फ़ोन करके, हमसे तो बात हुई नहीं। शिष्य ने बताया कि भैया ऐसे बात है, मेरे को तो व्हाट्सएप पर फोटो आया तब मेरे को पता चला। इससे पहले हमको पता ही नहीं था, तब हम व्हाट्सएप गया, उसके बाद हम गए शिष्य के घर पर लेने के लिए, तो उन्होंने भेजा नहीं। धमकी मतलब ऐसे ऐसे हमको पता नहीं है ये नहीं है। उसके ससुर ने बोला कि यहाँ पर हमको पता ही नहीं है कि किस लड़की से क्या कैसे किया शादी किया है, तो हमको काफ़ी समय से गुमराह कर रहे थे। तो फिर ये अपने वहाँ से मौका मिला था, वहाँ से सिस्टम में ये आज जितेंद्र लेखी का हेड कॉन्स्टेबल है और ये अपनी बहन सुधा को लेके मेरे सामने आया है। इसने एक प्रार्थना पत्र अपने कमांडेंट के माध्यम से भेजा था, प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया है। इनका आरोप ये है कि मेरी बहन सुधा की शादी कांस्टेबल से हुई थी, जो कांस्टेबल दन्नाहार में तैनात है। इस कांस्टेबल नाम हेमंत कुमार है और उससे 3 बच्चे भी हैं और इस संबंध में उसने अपने पेपर्स भी दिखाए हैं। और इनका कहना है, आरोप ये है कि उस कांस्टेबल ने इसी साल जून 2017 में एक लड़की से दूसरी शादी कर ली है। इन्होंने आरोप के संबंध में अपने पेपर से फोटो प्रस्तुत किए हैं। इस संबंध में मैंने छानबीन कर रहा हूँ, गहराई से छानबीन करके उस कांस्टेबल के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।